नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की टीचर। क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 4 जब हम खेले क्रिकेट, इस पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। तो आपके सामने वीडियो। खेले क्रिकेट। क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है। स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है। हम भी लगभग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। आसपास हमारे घर हैं और बीच में एक छोटा सा मैदान है। बलविंदर और तेजी हमारी टीम के विराट और पांड्या हैं। दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन ना तो इसके लिए इन्हें इनाम मिलता है और ना ही बलविंदर तेजी तेजी की आवाज चारों ओर से कानों तक पहुंचती है। हाँ, कभी कभी गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो आंटी या अंकल आग बबूला होने लगते हैं। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और पलक झपकते ही हम मैदान से 9-2-11 हो जाते हैं। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न होता है और गेंद टप से उसके लग जाती है तो उसे लाल पीले होते देख एक बार फिर हमें मैदान को बाय बाय कहना पड़ता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ रहने वाले अंकल आंटी को अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है, जब वे भी हमारी तरह ही खेला करते थे। सचमुच ये अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे घरों से हमें गेंद वापस मिल जाती है, इसलिए इन घरों को हम नॉट आउट घर कहते हैं। ऐसे घरों से हम बहुत खुश रहते हैं। कुछ घरों में ठीक ऐसे घरों का उल्टा होता है, यानी उन घरों से हमें गेंद नहीं मिलती है, उन घरों को हम आउट घर कहते हैं। और कुछ घरों से गेंद तो मिलती ही नहीं, ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है। ऐसे घरों को हम शाउट घर कहते हैं। आउट और शाउट घरों की शिकायत पर हमें कई बार घर में भी डांट पड़ती है और फिर कई कई दिनों तक हमारी पूरी टीम को मैदान में क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता। हम प्रायः सोचते हैं, काश सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। हाँ जी, तो देखा आपने वीडियो, मजा आया इस वीडियो को देखने के बाद। हमें इस पार्ट को पढ़ना और भी अच्छा लगेगा, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसमें कई बातें बताना चाहूंगी। क्या होता है बच्चों, हम लोग जब आसपास खेल रहे होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे घर होते हैं। वो हमें कहते हैं जाओ तुम लोग क्रिकेट मैदान में खेलो या पार्क में जाकर खेलो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आसपास में जो पार्क होता है वहां पे भी कई अंकल ऐसे होते हैं, वो हमें मना करते हैं। वो कहते हैं पौधे टूट जाएंगे या फिर पेड़ों को नुकसान होगा या आसपास यहाँ पानी है, यहाँ से तुम दूर जाओ। तो इस प्रकार की घटनाएं हम सब बच्चों के साथ में ऐसी होती रहती हैं जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई भी खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, खेलना ही अच्छा लगता है और खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी हमें सही कह रहे होते हैं, हमें उनकी बात को भी सुनना चाहिए। किसी भी बड़े लोगों की बात को हमें धिक्कारना नहीं चाहिए, उनकी बात को भी हमें समझना चाहिए। हम बच्चे हैं, हमें अपनी शरारत भी करनी है, अपनी मौज मस्ती भी करनी है, हमें सब कुछ करना है। जैसा कि आप तारक मेहता को उल्टा चश्मा में देखते हो, वो जो टप्पू सेना है, वो पूरी टप्पू सेना जो है वो कैसे खेलती है, लेकिन उनके साथ में उनके आसपास उनकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उनका साथ देते हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे बहुत गुस्सा होते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं। इसी प्रकार से सभी जगह पर ऐसा ही होता है। लेकिन इन सभी का सामना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बातों को भी देखना चाहिए और हमें अपना खेलना भी जारी रखना चाहिए। चलते हैं हम आप पाठ की ओर, पढ़ेंगे और इसके साथ में इसके शब्दों पर भी ध्यान देंगे ताकि हम उन गलतियों को फिर ना कर पाए। उससे पहले पाठ के अंदर हम एक शब्द बिटारा दिया हुआ है, हम इनके अर्थों को जानेंगे। पहला शब्द है पुरस्कार, इनाम, मग्न, तल्लीन। इस पाठ में हमारे बहुत सारे मुहावरे भी आए हुए हैं,
पहले हम उसके मुहावरों को भी जान लेते हैं। देखिए मुहावरे, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, नौ दो ग्यारह होना, भाग जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बहुत घबराहट होना, पलक झपकते ही तुरंत, बाय बाय कहना यानी चले जाना। ये सारे मुहावरे हैं, इनके अर्थों को हमने जान लिया है। अब हमारे लिए पाठ पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। यहाँ पर एक बच्चा है, वो बता रहा है कि हम लोग किस प्रकार से, वो अपने बारे में बता रहा है कि हमारा जो कॉलोनी है, हमारे जो मोहल्ला है, उसके अंदर किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन बच्चा जो है अपने बारे में बता रहा है कि क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार मतलब क्या है? इनाम। कह रहा है कि जब भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो चौके छक्के लगाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? इनाम मिलता है। स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है। हम भी लगभग प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज रोज क्रिकेट खेलते हैं। आसपास हमारे घर हैं और बीच में एक छोटा सा मैदान है, एक छोटा मैदान है, उस मैदान में हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब वो बता रहा है कि मेरे साथ में कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके नाम बलविंदर और तेजी हमारी टीम के विराट और पांड्या हैं। विराट को तो आप जानते हो, विराट कोहली, और पांड्या ये कौन है? ये क्रिकेट प्लेयर हैं। मतलब जैसे प्लेयर वो हैं हमारे भारतीय टीम के क्रिकेट में, इसी प्रकार से बलविंदर और तेजी भी वो हमारी टीम के क्या है? विराट और पांड्या है। दोनों क्या करते हैं? बहुत चौके और छक्के लगाते हैं, लेकिन न तो इसके लिए उन्हें इनाम मिलता है और न ही बलविंदर बलविंदर तेजी तेजी की आवाजें चारों ओर कानों में गूंजती है पहुंचते हैं। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है हमें कि जिस प्रकार से भारतीय टीम में जब क्रिकेट खेला जाता है तो लोग पांड्या पांड्या की आवाजें लगाते हैं, विराट विराट की आवाजें लगाते हैं, इस प्रकार से लोग बलविंदर बलविंदर और तेजी तेजी की आवाजें नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक आम खेलने वाले बच्चे हैं। हाँ, कभी कभी गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो आंटी या अंकल आग बबूला होने लगते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग क्योंकि मैदान में खेल रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं, तो उन घरों में से यदि किसी के घर की खिड़की का शीशा टूट जाए तो अंकल और आंटी क्या होते हैं? आग बबूला यानी बहुत गुस्सा होने लगते हैं। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगती हैं। अब चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब क्या हुआ? हमारे होश उड़ जाना, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है कि अब पता नहीं क्या होगा, ये अंकल आंटी क्या करेंगे। और पलक झपकते ही हम मैदान से नौ दो ग्यारह, यानी नौ दो ग्यारह होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। हम जब हम घबरा जाते हैं तो हम वहां से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा अगर उन्हें पता लग गया कि हम खेल रहे थे, हमने शीशा तोड़ा है, तो क्या होगा? वो हमारे मम्मी पापा से शिकायत करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, वो हमें कोई भी सजा भी दे सकते हैं, इसलिए हम वहां से भाग जाते हैं। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न होता है और गेंद टप से उसके लग जाती है। क्या होता है अगर खेलते खेलते हमारा हमारी बॉल जो है या तो किसी के अखबार में लग जाए या फिर किसी के चाय में गिर जाए, तो क्या होगा? उसे लाल पीले होते देख एक बार फिर हमें मैदान को बाय बाय कहना पड़ता है। शीशा टूट जाए, किसी की चाय में गिर जाए या किसी के अखबार पे लग जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें तो वहां से जाना ही पड़ता है। अब वो कुछ घरों के बारे में बता रहा है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रहने वाले अंकल आंटी तो अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है। क्या होता है? कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना बचपन याद आ जाता है, उन्हें लगता है कि हम भी इसी प्रकार से खेला करते थे और वो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं जब वे भी हमारी तरह ही खेला करते थे।
सचमुच ये अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे घरों से हमें गेंद वापस मिल जाती है। होते हैं हमारे आसपास ऐसे लोग जो क्या होता है जिनको हमारा खेलना अच्छा लगता है और वो हमें बॉल वापस दे देते हैं कि ये लो बेटा अपनी बोलो खेलो। इसलिए इन घरों को हम क्या कहते हैं, नॉट आउट घर कहते हैं, यानी कि हम आउट नहीं हुए। ऐसे घरों से हम बहुत खुश रहते हैं। कुछ घरों में ठीक ऐसे घरों का उल्टा होता है। ये कौन से घर हैं जिनके घरों में से बॉल हमें वापस नहीं मिलती, जिनकी चाय में गिर जाती है, शीशा टूटने पर अंकल आंटी गुस्सा होते हैं, ऐसे ठीक उनके घरों के उल्टे घर होते हैं, यानी उन घरों से हमें गेंद नहीं मिलती। उन घरों को हम आउट घर कहते हैं। वो कौन से घर हैं जिनसे हमें गेंद नहीं मिलेगी, यानी कि हम पूरी तरह से आउट हो गए, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और कुछ घरों से गेंद तो मिलती ही नहीं, ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है। डांट खाते हैं इसका मतलब उनके चिल्लाना हमें सुनना पड़ता है। तो ऐसे घरों को हमने क्या नाम दिया, शाउट घर नाम दे दिया। ऐसे घरों को हम शाउट घर कहते हैं। आउट और शाउट घरों की शिकायत पर हमें कई बार घर में भी डांट पड़ती है। ऐसा होता है जब ऐसे अंकल आंटी जो होते हैं जो हमारी शिकायत हमारे मम्मी पापा से कर देते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे वाले घरों से कि जो अंकल आंटी है उनके घरों से डांट खाकर फिर हमें अपने मम्मी पापा की डांट भी खानी पड़ती है। और फिर कई कई दिनों तक हमारी पूरी टीम को मैदान से में क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता, जब तक वो अंकल आंटी इसको भूल नहीं जाते, जब तक हमें मम्मी पापा खेलने के लिए मैदान में नहीं भेजते हैं। हम प्राय सोचते हैं काश सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। तो बच्चा क्या सोच रहा है, काश सारे घर ऐसे वाले घर होते, नॉट आउट वाले, यानी ऐसे अंकल आंटी जो हमारे खेलने से खुश रहते हैं और हमें हमें गेंद वापस दे देते हैं। अगर सारे घर ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। तो एक बच्चा जो है वो अपनी बातें कितने रोमांचक ढंग से बता रहा है, कितने अच्छे ढंग से बता रहा है। हम सभी को इस पाठ को पढ़ने में मजा आया, क्योंकि ये पाठ जो है हमारे बच्चों के लिए ही है, हमारे बच्चों की सारी क्रियाविधियों के ऊपर ही बना हुआ है। तो आपको पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा। आप लोग सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। गुड बाय।